हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हैप्पी ब्लॉग। आज मैं आपको कपड़े का रीयूज़ बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये भारी पुरानी शर्ट होती हैं जो बच्चे पहनते नहीं हैं, वेस्ट करके डाल देते हैं। जो नई नई होती हैं जिनके कलर फास्ट होते हैं तो उसका हम रीयूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारी ये शर्ट है जो कि हमारे बच्चों ने छोड़ दी है, पहनते ही नहीं हैं, तो इसको हम छोटे बच्चों की मिडी बना सकते हैं और उन बच्चों को पहना सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसे हमने पूरी तरह फैला के अच्छी तरह से फैला दिया है और इसको अपने अपने जिस नाप के हमें कपड़ा बनाना है वो नाप इसके ऊपर रख के हम और ऐसे मार्कर से निशान लगा दिए। लेके खड़िया लेके इसको हम यहाँ से ये इसके साथ साथ में इतना लेके ये और यहाँ से ये गोलाई लेके शेप इसको सीधा सीधा बाजू के लिए निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमने इसको थोड़ा थोड़ा गैप पे लेके छोड़ दिया है सिलाई के लिए। ऐसे ही हम इस तरह से इधर साइड से सिलाई में निशान लगा के ये शेप दे दी है कमर की और हमने सीधा ये बाजू के लिए निकाल दिया है। फ्रेंड्स अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे बहुत सुंदर बनेगी और हमारे ये घर में ही बन के हम अपने बच्चों को पहना देंगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, हम इसकी कटिंग कर रहे हैं इसकी कमर की शेप देकर। यहाँ से हम इतना ये बाजू के लिए सीधा सीधा काट देंगे। अब इस फ्रेंड्स देखिए आप, हमने ये हटा दिया है तो हमारा ये फ्रेंड्स देखिए आप कितना सुंदर बन गया है। अब इसे हमें सिर्फ एक ही सिलाई यहाँ से लगानी है और एक सिलाई है यहाँ से लगानी है। ये गला हमारा एज इट इज़ रहेगा, इसको हम चाहें ये हमारे चैन का गला है, इसे हम चाहें खोल के कॉलर वाला बना सकते हैं, चाहें हम इसे हाई नेक बना सकते हैं, हाई नेक का बना सकते हैं इसको मोड़ के इस तरह से। फ्रेंड्स आइए चलिए इसे अब सिलते हैं। फ्रेंड्स इसका हम मिडी बना सकते हैं, इसके लिए हम स्कर्ट बना सकते हैं, पैंट के ऊपर की टॉप बना सकते हैं। इस तरह से हम इसका बनाकर और अपने बच्चों को पहना सकते हैं और खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी मिडी बनकर तैयार हो गई है। इसे हमने सिल दिया है, साइड से सिल दिया है, यहाँ से यहाँ तक सिला है बस ये, और ये हाथ से बाजू के लिए खोल के हमने इसको हाथ से मोड़ लिया है। चाहे आप इसको मशीन लगा सकते हैं, देखिए, चाहे आप इसको हाथ से मोड़ सकते हैं। ये हमने एक ब्रॉच लगा दिया है जिससे ये सुंदर लुक आए। फ्रेंड्स हमारी मिडी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, देखिए आप। इसको हम कॉलर बना के थोड़ा सा कॉलर बना कर लगा सकते हैं, पहना सकते हैं। देखिए हम इसको हाई नेक का बना कर, हाई नेक का हम इसको बच्चों को जैसे बच्चे पहनना पसंद करें हम इसको बना सकते हैं। हम भी खुश होंगे, हमारे बच्चे भी खुश होंगे। और फ्रेंड्स देखिए आप, अब आपको मैं लेगी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, है हमारी पजामी है, बड़ी पजामी लेगी नहीं, ये लेगी हमारी क्रैक हो गई है, नीचे से कट गई है, ख़राब हो गई है, तो इसको हम अपने बच्चों की बना देंगे। ये बच्चों की हमारी ये पजामी है, ये लेगी है, इसे देखिए हम इस तरह से रख कर डबल फोल्ड करके रख लेते हैं। और फ्रेंड्स इसी तरह से हम यहाँ से इसको काट के, यहाँ से काट के इलास्टिक हमारी ऐसे ही रह जाएगी, इसको हम इतना काट देंगे इलास्टिक यहाँ से स्लाइड। देखिए फ्रेंड्स इसे हम काटते हैं, इसे हम जितनी लंबी रखना चाहें उतनी लंबी रख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसे हमने पूरी इलास्टिक के साथ काट लिया है। ये इलास्टिक के साथ में काट लिया है, इसको हम यहाँ से सिलाई लगा के यहाँ से लगा देंगे सिलाई। आप देख सकते हैं बीच से सिलाई लगा के
इस इलास्टिक को हम इस तरह से सी देंगे दोनों इलास्टिकों को। तो ये हमारी बनके पजामी तैयार हो जाती है और अपने बच्चों को हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये हमारी लेगी बनकर बिल्कुल तैयार होगी, इसे भी हमने सिल लिया है। फ्रेंड्स देखिए ये हमने यहाँ से सिल के इलास्टिक सिल दी है और ये सब सिल के हमारी तैयार है ये बच्चों को। आप देख सकते हैं ये हमारी बाजार से देख रहे हैं आप, ये हमारी बाजार जैसी लेगी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। हमारे बच्चे इसे पहनकर बहुत खुश होते हैं। इसी तरह हमने ये एक और लेगी ये बना ली है, ये हमने टॉप में से बनाई है। आप देख सकते हैं ये फ्रंट का टॉप का फ्रंट का पीस है, इसे यहाँ साइड में लगा दिया है जो बच्चों के डिजाइनिंग में आता है। ये हमारा पीस प्लेन है। फ्रंट देखिए ये इसका ये लुक होता है और ऊपर लास्टिक डाल दिया है इसे हमने, प्लास्टिक बन के हमारी लेगी। नीचे से हमने जू का तू रखा, इसको हमने बिल्कुल सिलाई नहीं लगाई है, नीचे के पीस से हमने इसको ले लिया है। आप देख सकते हैं कम से कम सिलाई लगाइए, एक सिलाई ये लगाइए एक सिलाई ये लगाइए, बस भाई पजामी लेगी बनकर बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स आपको अगर मेरी ये बनाना पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हैप्पी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।